हाथ में क्या हो गया आपके? ये पता नहीं अपने आप हुआ था काम तो ये तो अपराध हुआ था इनमें सर। अपराध हुआ था अपने आप। अपराध क्या थोड़ा समझाओ एक बार। अच्छा फोड़ा फोड़ा। अच्छा फोड़ा हो गया था। उसी से हो गया सर। नहीं सारी उंगलियां डॉक्टर को काटनी पड़ी? नहीं ये अपने आप हो गई है। कम से कम 2 साल हो गया। 1 साल हो गया तो काम नहीं कर पाते हैं बात? थोड़ा थोड़ा करते हैं वो। अच्छा मजदूरी करते हो? हाँ। तो जैसे हाथ में कुछ फोड़ा, कहाँ पे फोड़ा हुआ था आपके हाथ में? यहाँ पे। तो इस हाथ जैसे इस उंगली में फोड़ा हुआ। हाँ। तो ये सब क्यों करना पड़ा? इनमें भी हो गया था ना सब। अच्छा एक के बाद सारे उंगलियों में हो गया था? नहीं उसके जो मवाद थी ना। अच्छा 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 मतलब एक में हुआ उसके बाद सारी उंगलियों में हो गया। तो फिर ये जो उंगली कटी हुई है ये कैसे? डॉक्टर ने कहा कि इसको कटवाना पड़ेगा। हाँ डॉक्टर ने कटाई थी। ओहो तो दिखाना एक बार हाथ ऐसे करना। ये तो आपकी 1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा इस वाले हाथ में भी दिक्कत है? तो ये मवाद फैली कैसे? मतलब कोई डॉक्टर ने बताया नहीं आपको? नहीं वो अपने आप हो जाते हैं। नहीं इतनी ज़्यादा चोट आपको, इतनी दिक्कत, उसके बाद भी काम कर रहे हो आप? क्या करें मजबूरी से करना पड़ता है। बच्चे पढ़ाई करते हैं? मैं तो मतलब देख ही नहीं पा रहा आपके तो एक कितनी 5 उंगली कटी हुई है आपकी। तो जैसे कोई सामान उठाते भारी तो उसमें दर्द नहीं होता आपको? नहीं तो भारी सामान नहीं उठाता। कितनी दिहाड़ी मिल जाती है रोज की आपको? 300 रुपये। तो घर चल जाता है इतने पैसों से? क्या करें। उम्र कितनी है आपकी भैया? 20-25। अच्छा तो बच्चे कितने हैं आपके? अच्छा 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 तो 1 साल पहले की घटना है जो हाथ आप बता रहे हो आप। तो डॉक्टर ने ये नहीं बोला रेस्ट करो आप घर पे? तो कितने दिन करेंगे रेस्ट? क्योंकि ना मैं देख रहा हूँ ना ये तो उंगली आपकी सारी दिक्कत आएगी, लेकिन इस वाले हाथ में भी दिक्कत चालू हो गई है इसमें तो कम है। तो जैसे कौन सा सामान उठाते हो आप? जैसे ईंटें वगैरह? अच्छा 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 तो रहते कहाँ पर हो? अच्छा बच्चे भी यहीं रहते जो, क्या एक मकान है क्या है? नहीं है। बच्चे ना रहते हमारे यहाँ पे। अच्छा बच्चे कहाँ हैं? वो गोविंदपुरी है। दवाई चल रही है आपकी? एक बार बैठो आप यहाँ सामान ला रहा हूँ आपके लिए। बैठो यहाँ पर आप इधर बैठ जाओ, बैठ जाओ इधर। ये लो भैया ये सामान आपके लिए, तो मैं इसमें ये सारी चीज़ें हैं दिखा दूँ मैं। दाल है, आटा है, चीनी है, ये अपना नमक है, चाय पत्ती है, इसके अंदर भी अलग सामान है। ठीक है ये अपना जैसे ही ख़त्म हो जाएगा मैं नंबर दे के जा रहा हूँ अपना, जैसे ही ख़त्म होगा मेरे को फ़ोन कर देना मैं ऑर्डर दे जाऊँगा मैं। ठीक है और एक मिनट ये बच्चों को घर पे और यहाँ पे जो छोटे छोटे बच्चे नज़र आए ना आप उनको उनको दे देना ये। ठीक है जो भी बच्चा नज़र आएगा आपको या फिर आपको जो पीने पीने पी लेना, जो बच्चे नज़र आते हैं रेड लाइट पे उनको दे देना आप। ठीक है भैया और मेरा नंबर मैं पर्ची में लिख के दे देता हूँ, जैसे ही ख़त्म हो जाए अगले महीने मेरे को फ़ोन कर देना, आटा चीनी दाल सब मिल जाएगा आपको। ठीक है भैया से मेरा नंबर लिखना। हाँ बेटा पीछे हेमंत मेरा नंबर लिख दो 9th वाला भैया। इधर बेटा हेमंत आ जाओ, इधर रख दो भैया, इधर रख दो सामान, इधर रख दो, यहाँ रख दो, ये नंबर संभाल के रखना, मेरा नंबर है, मेरा नाम सनी आ रहा है, जैसे ही वो ख़त्म हो जाएगा मैंने फ़ोन कर देना मेरे को। ठीक है और दवाई की ज़रूरत तो नहीं पड़ रही आपको अभी? नहीं अभी पक्का? हाँ रखिए। चलो कर लो काम।